टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबंध एक निजी कॉलेज है और मधुबन चौक रोहिणी दिल्ली में स्थित है। TIAS को UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। कॉलेज में BBA, BCA, BJMC, MBA और MCA जैसे कोर्सेज की डिग्री दी जाती है। कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए डिग्री के साथ साथ कॉरपोरेट दुनिया में कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार करता है। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज अपने इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हर साल मेगा जॉब फेयर का आयोजन करता है। यह जॉब फेयर स्टूडेंट्स को अपने करियर में सुनहरे मौके तलाशने का बेहतरीन अवसर दे रही है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निवेदिता, जो प्लेसमेंट सेल की हेड हैं, और मेरे ख्याल से देखा जाए तो आज की जो है यह बैकबोन है। तो मैम, जो मेगा जॉब फेयर है इसको लेकर क्या कुछ है, एक बार ज़रा संक्षेप में बताइए। असी मेगा जॉब फेयर एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें कॉलेज प्रयास करता है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिसमें जो उनके ड्रीम की कंपनी हो, जो रोल हो, जो ज्वाइन करना चाहे किसी कंपनी को, तो उसमें वो ज्वाइन कर ले। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये किसी एक कॉलेज के लिए लिमिटेड नहीं होता है, किसी एक एरिया के लिमिटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज की हम बात करें तो ये पूरे IP यूनिवर्सिटी में सर्कुलेटेड है और दिल्ली NCR में सर्कुलेटेड है और आसपास सबको पता है कि आज यहाँ जॉब फेयर हो रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान करके कि जैसे डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी से, DTU से और IP यूनिवर्सिटी, तो सारे कॉलेज से पार्टिसिपेशन है। जो IP यूनिवर्सिटी में नहीं भी हैं जो कॉलेज, वहाँ से भी पार्टिसिपेशन है। पाइट से, पानीपत से आया है, और मतलब जितने NCR कॉलेज आए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि एक बार जैसे कोई बच्चा कहीं मिस आउट हो गया है तो वो कई कॉलेज में जहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं भी आती हैं तो वो एक उनको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आकर उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैम, जब हम बच्चे से यहाँ बात कर रहे थे तो बच्चों में एक अलग एक्साइटमेंट नज़र आता है जॉब को लेकर, तो वो एक्साइटमेंट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने उनको एक अलग तरीके से तैयार किया है, तो ऐसा कुछ क्या है? जी, इसके लिए तो शायद मैं अपने पूरे इंस्टीट्यूट को एक बार सेलिब्रेट करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाला जाता है कि वो सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उनके अंदर आ जाए, जिससे कि उनको कभी ये परेशानी ना हो कि मैं इस कंपनी में जाऊंगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, या मेरी CV अच्छी नहीं है, या मैं कॉन्फिडेंस नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि जो भी इवेंट आज का हुआ, इट वाज ऑल गवर्न्ड बाय स्टूडेंट ओनली। तो इस तरीके से उनको हम लर्निंग कराते रहते हैं, बार बार कंपनीज को बुलाते हैं, उनको बार बार उनको फेस कराते हैं, सो दैट जो स्लाइटेस्ट हिच होती है, दैट आई कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंट, वो रिमूव हो जाता है। एंड देन दे बिकम वेरी एक्साइटेड कि यस नाउ कैन डू, आई मीन वो एक उनके अंदर से एक्साइटमेंट आता है और मोर ओवर उनको ये फील होता है कि तो अपने कॉलेज में आई है तो प्रॉब्ली आई विल हैव अ बेटर चांस, मैं शायद ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाऊँगा। सो ये एक है, इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है और ट्रेनिंग तो है ही, नो डाउट। अच्छा मैम, देखिए बच्चों के पेरेंट्स को बड़ी उम्मीदें होती हैं, खास करके उस कॉलेज से जहाँ पे अपने बच्चों का उन्होंने एडमिशन कराया है, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन मीट करना, फिर बच्चों की एक्सपेक्टेशन मीट करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्या कुछ है? इट इज़ अ टफेस्ट जॉब, मीटिंग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसको मीट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको एक बड़ी अजीब सी एक फीलिंग होती है, एज ए टीचर मैं बताऊँ, मैं टीचर भी हूँ, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली आई स्पीक बेटा बेटा बेटा, दिस इज़ हाउ इवन आई एम टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स। सो आई थिंक इवन चाहे आप वेदर यू आर अ मेल फैकल्टी मेम्बर और ये फीमेल फैकल्टी मेम्बर, यू ऑलवेज स्पीक बेटा बेटा बेटा, तो दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट कम्स ऑटोमेटिकली, तो यू ऑलरेडी नो that how you, much you are expecting. I mean, as a mother, as a father, even you are knowing it. तो वो एक्सपेक्टेशन आपको पहले से ही पता होता है, उसको मीट करना तो थोड़ा टफ तो होता है, पर ऑफकोर्स विद द इंटायर सपोर्ट ऑफ द टीचिंग स्टाफ एंड अदर, स्पेशली माई चेयरमैन सर, जो कि बहुत पॉजिटिव हैं ऐसी सारी अपॉर्चुनिटी लाने के लिए लर्निंग की, जिससे आप हम उस एक्सपेक्टेशन से पहुँच जाएँ, हर बच्चे अपने पोटेंशियल तक पहुँच जाए, तो ये एक प्रयास सबका ही है, तो कोशिश करते हैं, आई होप
मीट भी करते होंगे कहीं कहीं, ठीक है, यही कह सकती हूँ। हम आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को, कि आपने बच्चों के लिए इस हद तक सोचा, ना ही सिर्फ अपने कॉलेज के बच्चों के लिए, जैसा कि आपने बताया दिल्ली एनसीआर के बच्चे जो जो उनकी डिमांड्स है, जो उनकी मीट है, वो यहाँ आके पूरी कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो वी हैड डॉक्टर निवेदिता विदास, एंड जैसे कि आपने इनके मुँह से बहुत सारी पॉजिटिव बातें सुनी, और हम चाहते हैं कि, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों की जितनी उम्मीदें हैं वो आज यहाँ पे पूरी हुई। वी हैव डॉक्टर अजय राठौर विथ अस, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज। सर, जॉब फेयर जो है, मेगा जॉब फेयर, इसका मुख्य मुद्दा क्या है, मकसद क्या है कराने का? बेसिकली व्हेन द स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट विद द आफ्टर कंप्लीटिंग देयर जॉब्स, लुकिंग फॉर जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टास्क विद द सिलेबस एवरीथिंग, करिकुलम एवरीथिंग, सो वी हैव टू गिव देम द थिंग दैट देयर इज लॉट मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, things are there is a lot of unemployment going on, but it's not so, lot many companies are in their fray, and they want good people, good skilled people, and there is a lot of dearth of good people over there. So this thing we want to prove in over here. More than 2200 plus students have gathered over here for the footfall, and more than 50 companies are lined up, so 33 companies in presence over here, and more than 17 are on the hybrid mode through online system. So this is what the job mega job fair is all about. 50 companies on various domain, from BBA, BGMC, mass communication students, or IT students for that. सर, मेगा जॉब फेयर से बच्चों की उम्मीदें क्या कुछ पूर्ण होने वाली हैं, ये हम जानना चाहते हैं। मेगा जॉब फेयर एक इतना इम्पोर्टेंट इवेंट किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, इसका कल्पना करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जब हमारे कॉलेज में आते हैं प्रोफेशनल स्टडी के लिए आते हैं, उनका मेन एम होता है अपने करियर को स्मूथ एंड बेटर करना। हम कैंपस इंटरव्यू करवाते हैं, बच्चों को प्लेस करते हैं, एंड वी यूज टू ट्रेन देम फॉर द गुड एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप secrets also. The point is that we are also launching them in many companies and placing them in many companies. कई बार बच्चे किसी कंपनी में जाते हैं, 10 बच्चे गए, 2 का सिलेक्शन हुआ, मैंने किसी कंपनी को बुलाया, 5 का सिलेक्शन हुआ, कभी कोई कंपनी आती है, कभी कंपनी फिर महीने में 2 महीने के बाद आती है। मेगा जॉब फेयर बच्चों के कई प्रॉब्लम का समाधान है, जहाँ बच्चे एक साथ एक कैंपस में 10-12 तरह का ऑप्शंस ले लेते हैं, उन्हें किस में जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है, किस एरिया में सर्व करना है। हम कम से कम 7-8 ऑप्शन देने को तैयार होते हैं, लेकिन बच्चे 5-6 ऑप्शंस लेकर के समय निकल जाता है, तो उन्हें एक जगह हम रिक्रूटर को बुला करके, एम्प्लॉयर को बुला करके, अपने टीचर को लगा करके, उनके एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो अनुभव है उसको डाल करके, बच्चों को मोटिवेट करके, बच्चे का 2 पार्ट में, जिन बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है उनको एज ए कोऑर्डिनेटर और वॉलेंटियर बना करके, बड़े जोश में होते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो इसके तहत किसी न किसी कंपनी को लेने की कोशिश करते हैं। ये जो झील होता है, तो रियल आउटकम ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वी यूज टू फुलफिल, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है कि जब मैं 2-3 साल बच्चों को पढ़ा कर निकालता हूँ तो वो हमारे कैंपस से किसी न किसी कंपनी को पकड़ लें और अपने माता पिता के साथ खुशी मनाएं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, नेशनल बिल्डिंग में लग जाएं। सर, डू यू थिंक दिस जॉब फेयर इज मीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस? दिस जॉब फेयर डेफिनेटली, आई मीन यू सी, एज ऑफ नाउ the students, or I mean the persons who are qualifying, they are looking for jobs. And in our industry, I mean insurance industry, the scope is tremendous. Means we are growing say 15-20% annual. Even jo chairman hai hamare IRDA ke, Mr. Panda, he said I mean the current rate is 2.5 lakh crore turnover of the industry. In 3-4 years he is expecting this to reach to 11 lakh crore. I mean that is the potential. So it is humongous potential we have, and we are looking for some good students who can do good for themselves as well as for us. Okay. So this
this job fair is seriously helping students? Like students are this from this college also, like from other colleges in Delhi also. So this job fair is helping them too. We are looking for that only. See, I have on my request, Mr. Robin Garg has come. He is heading the northern region from Reliance General Insurance. On my request, he has come to recruit some good, you know, students, maybe 20-30. I mean, that is the potential. He is thinking that we can recruit even 30 students. Okay. Even I am looking for to recruit, I would say, 8 to 10. In my office. इस साल भी टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज ने मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और करियर में आगे बढ़ने के गुण सीखे। इस जॉब फेयर की सबसे बेहतरीन बात ये रही कि इसमें आईपी के दूसरे कॉलेजों के बच्चों को भी भाग लेने का मौका दिया गया। बच्चों में बेहद उत्साह और जोश देखा गया। इस जॉब फेयर में 50 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 33 फिजिकल और 17 कंपनियां ऑनलाइन शामिल रहीं। इन कंपनियों में नोटेड ब्रांड्स एबिक्स, आदित्य बिरला फाइनेंस, बजाज कैपिटल्स, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ट्रू ब्लू, HDB फाइनेंशियल, 14T, द आउटलुक ग्रुप, Zomato, Manpower Solutions, Paisa Bazaar, Techno Inspecta, Just Dial, British Telecom, Car Dekho, India Mart, Welco Infotech, Vox Moss, Relox शामिल हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि मेरे साथ मौजूद हैं कॉलेज के कुछ बच्चे जो जॉब फेयर में आए हैं, और जॉब फेयर को लेकर आगे फ्यूचर में क्या कुछ उम्मीदें हैं ये इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है, कौन से कोर्स से हो आप और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो यहाँ पर? पहले तो थैंक यू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। मेरा नाम उदित जायसवाल है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूं एंड मैं बीबीए प्रोग्राम का मतलब मेरा बीबीए प्रोग्राम है एंड मेरा फाइनल ईयर है एंड ये प्लेसमेंट चल रही है एंड बहुत सी कंपनीज आई हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ कि कैसे होगा, थोड़ा सा नम भी हो रहा हूँ। इससे पहले भी एक कंपनी में मैंने अभी इंटरव्यू दे दिया है, ऑन होल्ड है अभी एंड अभी एक और है उसमें भी अभी देनी है इंटरव्यू मेरे को, तो आई होप कि हो जाए, वेल प्लेस्ड हो जाए, अच्छा पैकेज मिले एंड एक अच्छे पोस्ट पे एक अच्छी शुरुआत मिल जाए। दैट्स ऑल आई वांट। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लाइक सिटिंग इन सम प्लेसमेंट और? मैम, इससे पहले भी कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत से मतलब कंपनीज में गया भी हूँ, इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू दिया है, तो एक्सपीरियंस है, बट वो ये नर्वस थोड़ा सा हो रहा हूँ, एक्साइटमेंट भी है। तो आपको लग रहा है कि जो जॉब फेयर आपके कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है, इससे फ़ायदा होने वाला है मास लेवल पे बच्चों को? फ़ायदा तो होगा, अगर आप मोटिवेटेड हो और अगर आपके में स्किल है तो ये बेनिफिट करेगा। अगर आपके फील्ड आपको मालूम है कि किस बात पर चलना है तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी एंड कंपनीज अच्छी अच्छी आई हैं एंड प्रोफाइल भी ठीक है। Okay, so you have completed your BBA from this college only. Yes. So what are your thoughts? आप क्या जो आने वाले बच्चे हैं जो BBA में एडमिशन चाहते हैं टेक्निया में, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप कि उनको आना चाहिए कॉलेज में, किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पे, प्लेसमेंट्स किस तरह के हैं, चूँकि यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, तो what are your thoughts? कॉलेज ओवरऑल ठीक है, फैकल्टीज़ बहुत बढ़िया हैं, क्लासेज वेल मेंटेन्ड हैं, टीचर फैकल्टी मतलब उनका नेचर वगैरह मैं कहूँगा कुछ टीचरें बहुत अच्छी हैं, पूरा सपोर्ट है, पूरा मतलब गाइड करती हैं एंड दे ऑलवेज हेल्प अस कि क्या तुम्हें एंड गाइड भी करते हैं कि करियर को लेकर के तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एंड प्लेसमेंट सेल की बात करूं तो जब से कॉलेज में आया हूं इंटर्नशिप के टाइम में भी दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी कि इंटर्नशिप ये आ रही है, आप यहाँ अप्लाई करो, ये काम करो एंड नाउ जॉब के बारे में है, फाइनल ईयर है तो इसमें भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड बहुत से क्लासेस भी हमें मतलब प्रोवाइड करी गई कि रिज्यूमे कैसे बिल्ड करें, पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। तो हमारे साथ फाइनल ईयर की राधिका हैं। राधिका, सबसे पहले तो बताइए कि कॉलेज में जो तीनों साल का अनुभव रहा है वो कैसा रहा है? अनुभव लाइक एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है कॉलेज में, काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कॉलेज में यूजुअली हम चाहते हैं कि हम लाइफ को जीते, तो वो एक मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मिलता है कॉलेज में वो मुझे हमारे कॉलेज में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से मिला है। काफ़ी सारी इंटर्नशिप जैसे मैंने की है UNI में और PR कंपनीज में मैंने जैसे किया है, तो उससे मेरा जो ग्रोथ हुई है वो और ज़्यादा बेहतर हुई है।
अच्छा देखिए, कहा जाता है कि जर्नलिज्म पत्रकारिता ऐसी चीज़ है जो बंद कमरे में नहीं की जा सकती है, तो कुछ ऐसा अनुभव आपको मिला यहाँ पे कि आपने इंटर्नशिप जैसे कि बताया आपने करी है, तो क्या कुछ आपने ऐसा कुछ किया कॉलेज के अलावा जो एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ अनुभव किया क्या यहाँ पे? सो इंटर्नशिप्स में तो डेफिनेटली किया ही है, उसके अलावा हमने जैसे FSL में हमारा एक केस था आफ्ताब वाला, उसकी प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग करवाई गई थी हमसे, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी ऑन ग्राउंड चीज़ें जो जीरो ग्राउंड पे चीज़ें सीखने वाली होती हैं वो हमने सीखी. तो ऐसे करते हुए जैसे आप देख सकते हैं बुलेटिन भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो भी हमने सीखा है जैसे पढ़ना टेलीप्रॉम्प्टर पे. तो ये चीज़ें हमें जनरली लाइक जनरली हम लाइफ में नहीं करते हैं, तो ये हमने एक नई चीज़ सीखी यहाँ पे. तो ऐसे जब हम यहाँ से मूव आउट हो रहे होंगे हमारे पास एक बहुत अच्छी स्किल है विच इज़ रिपोर्टिंग एंकरिंग दोनों. तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका बुलेटिन चल रहा है राइट, तो यू आर दिस एंड यू आर रीडिंग न्यूज़ ऑन TP. सो हाउ यू हैव लाइक गेन दिस वाला नॉलेज कि वी हैव टू लाइक गो इन द न्यूज़ रूम देन रीड टेलीप्रॉम्प्टर देन डिलीवर न्यूज़, हाउ यू लाइक मैनेज एवरीथिंग? सो हमारे साथ हमारे मेंटोर है अमित शर्मा सर, सो ही गाइड अस थ्रू दैट. हमें न्यूज़ बताई जाती है कि कैसे है क्या है, और वो प्रॉपर न्यूज़ लिखी जाती है जिसके अंदर हम उसको पढ़ते हैं. तो जो पढ़ने की स्पीड है, एक तो न्यूज़ की नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें समझाया जाता है न्यूज़ की नॉलेज कि न्यूज़ क्या है. तो जैसे हमें पता होता है हमें कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए और ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए, तो और टेलीप्रॉम्प्टर का प्रॉपर हम यूज़ कर इस्तेमाल कर हम उससे न्यूज़ पढ़ लेते हैं फिर. सो दिस ईयर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से जो जितने सारी कंपनीज़ हैं वो आई होंगी, आपने भी देखा होगा. सो आप किसी में बैठे चुकी हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मीडिया में देखो दो तीन चीज़ें दिखाई देती है लोगों को, TV पे एंकर दिखता है, रिपोर्टर दिखता है, लोगों को तीसरा पता होता है कैमरामैन है, बट देर आर सो मेनी थिंग्स इन अ मीडिया इंडस्ट्री. तो आप लोगों ने उन सब चीज़ों को फेस किया, आप लोग गए जो किसी भी इंडस्ट्री में घुसे वहाँ देखा क्या कुछ है? तो आप मेरे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के डेप्थ में जाने की बात करें, डेफिनेटली मैं आपको अपने PR एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ. सो हमारी प्लेसमेंट से ही मेरी इंटर्नशिप लगी थी एट 7 कम्युनिकेशन, PR टेक कंपनी है. तो वहाँ पे हमें मेरा पॉडकास्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था. वहाँ पे उन्होंने मेरे को पूरा PR कैसे वर्क करता है ये सिखाया, जिसके अंदर हमने मेल सीखी, ईमेल मार्केटिंग सीखी, डिजिटल मार्केटिंग सीखी. तो इंटर्नशिप्स के वाया अगर ये इंटर्नशिप लगती ना और प्लेसमेंट हमारी ना होती वहाँ पे तो ये सीख ही नहीं पाती मैं. सो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मेरे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहा था, जिसके थ्रू आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल फील्ड, जहाँ पे नई सारी चीज़ें भी सीखी और पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखा मैंने. यस. तो जो बच्चे जर्नलिज्म फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, बिकॉज यू हैव लाइक कम्प्लीटेड योर स्टडीज एंड अब आप जो है वो मीडिया में बिल्कुल एंटर करने वाले हो, बहुत एक्साइटेड हो, सो व्हाट आर लाइक योर थॉट्स टू न्यू कमर्स और फ्रेशर्स? देखिए डेफिनेटली डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले यह है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीखने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो. स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, मेंटल हेल्थ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है छोटी छोटी बात पे नहीं होना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी. दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो भी यही कहती है जितना प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा उतना ही बेहतर रहेगा. एंड हमारे इंस्टीट्यूट में ये सबसे ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें प्रैक्टिकल पे फोकस बहुत अच्छे से किया जाता है, जितना थियोरी भी किया जाता है बैलेंस वे में प्रैक्टिकल में भी किया जाता है. जिस तरह से आप बोल रही हैं और जिस तरह आप बता रही हैं, इस तरह जोश है आप में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे चल के बेहतरीन जर्नलिस्ट बनने वाली हैं आप. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके कॉलेज को हम स्पेशली यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ये जो मेगा जॉब फेयर है इससे बच्चों में जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ आके मीट हुई हैं और बच्चे काफ़ी खुश भी हैं. तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके कॉलेज को बहुत सारी शुभकामनाएं. सो वी हैव महक एंड विधि फ्रॉम BBA कोर्स फ्रॉम दिस कॉलेज ओनली. So first of all, the very basic question and the first question to you: are you excited for this job fair? Yes, I am. You are? Yes, sure. Okay. So you have completed your course. So do you think that you will get your job, your dream job, by this job fair? Maybe, maybe not. We are just pursuing. We are in fourth semester right now. So if we get the job, then it's good. It's best for our career only. कि second year में job मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा. और क्या उम्मीदें हैं, जैसे होता है ना कि अब भाई अब तो कोर्स कंप्लीट हो गया, प्रोफेसर्स को उम्मीदें होती हैं, पेरेंट्स को उम्मीदें होती हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं जॉब फेयर? अभी मेरा भी सेकेंड ईयर ही है, सो आई एम एक्साइटेड फॉर इट प्लस नर्वस ऑल्सो कि कैसी जॉब मिलेगी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो पाएगी नहीं हो पाएगी.
That's about it. Okay. So, आपको लगता है कि कॉलेज ने आपको उस अल्टीमेटम तक पहुंचाया है that you will be eligible for your dream job? Yes, I guess college ने काफी हमें promote करा है कि to do better in your life and everything. They have made us sure that we participate in a lot of projects and internships. So it has built an confidence so that I think we can do it. We are able to go for our dream job. हमारे साथ डॉक्टर अर्चना हैं जो बीबीए डिपार्टमेंट की एचओडी हैं. इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि बच्चे जो आपको हमने दिखाया कि इतने एक्साइटेड हैं जॉब फेयर को लेकर, क्या कुछ है मैम बच्चों में एक अलग तरह की जो है एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, तो जॉब फेयर जो है इट विल हेल्प देम? डेफिनेटली मैम, जॉब फेयर हमारे बच्चों को बहुत हेल्प करेगा क्योंकि बच्चे जो स्टडी के लिए आगे बढ़ते हैं वो बच्चे डेफिनेटली यही चाहते हैं कि वो एक अच्छी जगह पे प्लेस हो जाए. और उसके लिए टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ने उन्हें एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हमारे पास 33 कंपनी सिंगल प्लेस पे बच्चों के लिए आई हुई हैं और वो बहुत खुश है. जो मैं इंडिविजुअली एचआर से मिली हूँ तो वो बता रहे हैं हमें कि वो बच्चों से बहुत खुश हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे जो आउटसाइड से भी आए हुए हैं वो भी बहुत खुश हैं. बिकॉज अभी करेंट में अगर हम देखें मार्केट्स में उतना जॉब नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज के एफर्ट से, टेक्निया इंस्टीट्यूट के एफर्ट से हमने इतने सारे एचआर्स को, इतनी सारी कंपनीज़ को जो एक प्लेस पर इकट्ठा किया है. एंड आई अप्रिशिएट माई स्टूडेंट, माई टीम, माई एंटायर कॉलेज की एक कलेक्टिव एफर्ट से बच्चों के लिए हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं. मैम, व्हाट इज़ अ गुड नेम मैम एंड व्हाट डू यू डू हियर, व्हाट इज़ योर लाइक डिजिग्नेशन हियर? ओके, माई नेम इज़ वंदना एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन बी सी डिपार्टमेंट. Okay, so ma'am, people are very excited, like we were talking to children, they are very excited about the job fair. So do you think this is the same? Yeah. Okay. We have a great footfall also. So abhi tak kitni companies aa chuki hain? Around 30 companies have come here. So do you have any idea students got placed or something? Actually it will be conveyed to us at the end of the day. The companies will tell how many students they have selected. सो मैम, क्या कॉलेज जो है वो टेक्निया वो हर साल इस तरह के जॉब फेयर्स रखता है बच्चों के लिए? दिस इज़ द फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी आर हियर फॉर द जॉब फेयर और लाइक फॉर द गुड प्लेसमेंट्स एंड ऑल? नहीं, एवरी ईयर दे कंडक्ट जॉब फेयर एवरी ईयर. इट विल हेल्प स्टूडेंट्स? या ऑब्वियसली. आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? सो हाय, माय नेम इज एडविन एंड आई प्रेजेंट कोटक लाइफ इंश्योरेंस. I have been associated with this company for roughly 2-2.5 years now. Yeah. अभी तो पहली बार हो रहा है जो आप टेक्निया आए हो या इससे पहले आ चुके? I was in touch with निविदिता. निविदिता से मैं पहले ऑलरेडी टच में था. पिछले साल भी हमने थोड़े बच्चे हायर करे थे. तो फॉर दिस जॉब फेयर दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड सो माई ओवरऑल एक्सपीरियंस हैज बीन नाइस एंड फुटफॉल भी अच्छा रहा इस बारी. अराउंड अभी मैंने ऑलमोस्ट 15 बच्चों का इंटरव्यू मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. And hopefully we'll hire good number of students from this college. बच्चे कैसे हैं? बच्चे, the students are good. What I would say is that थोड़ा सा coaching अगर हम देंगे then they would turn out to be a bit good. Apart from that, it's my experience was overall it is good only. अच्छा, जब आप interview कर रहे होते हैं तो बच्चों से ऐसे वो basics क्या expectations होती हैं जो ये चीज़ें होनी चाहिए then we will like let them in या फिर क्या कुछ है? देखो, सो द फर्स्ट थिंग इज़ इंटेंट. जो बच्चा आ रहा है पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा काम करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं. लाइक, तो पहले हम यही देखते हैं कि बच्चे का इंटेंट कैसा है, बच्चा इंटरेस्टेड है क्या नहीं. द अदर थिंग इज़ कि बच्चे को जॉब के बारे में कितना पता है, उसने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, कंपनी के बारे में पता है, उसने कुछ एफर्ट डाला है, रिसर्च करा है कि नहीं, उससे हमें पता चल जाता है. अगर उसने रिसर्च करा है मतलब कि बच्चा इंटरेस्टेड है. उसके अलावा उसने CV कैसे प्रेजेंट करा है, है ना, अगर अच्छे टाइपो एरर है, मिस्टेक्स हैं, सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग आई वुड से. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारी कंपनी में हम सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं, फील्ड सेल्स रहता है जिसमें ट्रैवलिंग रहता है. अगर बच्चा इंटरेस्टेड है ट्रैवल करने के लिए तो वी आर गुड टू गो विद दैट, बिकॉज कोटक एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन कोचिंग. सो वी हैव महक खन्ना, स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज ओनली, एंड यू आर like doing startup, right? So what kind of startup you have, will it be helpful for the society, and what kind of thing that you are like starting, like please comment. Okay, so basically we are a production house and there were certain services we are providing. First is video production, then editing, then it's graphics and social media, 3D and interior designing. Okay, so
So I must say that you will like help children or students, like most of them are freshers, I guess. So what kind of qualities you are searching, like they could help you in your startup? Okay, basically I'm hiring from my college only. I need interns like for graphic designing and like the people who are in graphic societies, I'm hiring them. Mm-hmm. People who are good in video editing, I'm hiring them mainly right now. And plus the who are good in social media handling, that's it. So how much time you have started this? Okay, it's been 2 months now and I've get certain projects and we are working on that too. Okay, so you are in this job fair for this, like you are recruiting from this college, like for your startup. So what is the name of your startup, where it is situated, what are all the informations, please share. Okay, so basically we are Namaste Creations and the office is in Tilak Nagar. And right now like we are providing work from home, like the interns are mainly unpaid or hired on unpaid basis right now. But we'll say in future we'll of course give them stipend. As soon as the company grows. So we have Sujan Kashyap, right? Yes. Which year you are? Third year. So aap placement pe baithe the aaj. Yes. How was experience? Actually ma'am, experience is like ki meko chahiye tha news channel mein. बट इट वॉज़ लाइक कि बी बी ए बी से और सारी कंपनीज थी. सो वहाँ पर मेरे को रिक्रूटमेंट नहीं, बेसिकली मेरे को लगा नहीं मन वहाँ पर. सो आई वॉज़ लुकिंग फॉर न्यूज़ चैनल. सो हेयर इज़ मतलब न्यूज़ इंडिया का भी मैंने देखा वहाँ पर आया हुआ है. सो मैंने वही भरा था उसमें. सो या आप न्यूज़ चैनल में जाना चाहते हो. यू हैव डन मास कम्युनिकेशन. ओके, सो वॉट आर योर कोर इंटरेस्ट इन मीडिया? Actually ma'am, that is my voice skills and interaction skills with my audience. I have done reporting and social media anchoring I used to do. I have my personal page also. Basically I have interest in my anchoring, news voiceover and reporting skills. That's my core. तो हमारे साथ पत्रकारिता के कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कैसा कुछ रहा जो एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज का और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं. चूँकि यहाँ पे जॉब फेयर है तो आप लोगों को भी एक्सपेक्टेशन होगी कि हाँ भाई हमें इस वाले ड्रीम कंपनी में जाना है, यहाँ पे ऐसी पत्रकारिता करनी है, ऐसा कुछ चूज़ किया. सबसे पहले आप लोग अपने अपने नाम बताओ. मेरा नाम आशुतोष है. मेरा नाम साक्षी है. साक्षी. मेरा नाम प्रिया है. प्रिया. मेरा नाम टिया है. तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, लगता है कि जो मीडिया में जो आगे चल के कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई कर ली तो जॉब सिक्योरिटी होगी, जो अपना ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा? हाँ, लगता तो है कि मतलब पूरा हो जाएगा. और अगर हम इंटरव्यू वगैरह, जैसे आज जॉब फेयर था हमारे कॉलेज में, तो हम इंटरव्यू देने के लिए आए थे और अभी अब बुलाएंगे वो लोग हमको. तो हम इंटरव्यू देंगे फिर, तो उसके बाद पता चलता है कि हम सिलेक्ट होते हैं नहीं होते. तो बस कुछ पता है कौन कौन सी कंपनीज आई हैं? यस, आदित्य बिरला, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं हमारे कॉलेज में एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग भी हमारे लाइक कॉलेज में आए हैं और इस अपॉर्चुनिटी के लिए वी आर ग्रेटफुल. सॉरी. और यस. ओके, सो प्रिया, तो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? जर्नलिज्म, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स इन जर्नलिज्म. तो व्हाट यू हैव लाइक इंटरेस्ट? कम्युनिकेशन में काफ़ी हुआ है तो मेरा इंटरेस्ट मोस्टली मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की तरफ जाता है. राइट. ओके, सो डू यू थिंक योर कॉलेज विल बी एबल टू प्रोवाइड जॉब इन दैट सेक्टर? 100%, क्योंकि आज भी काफ़ी कंपनीज आई थी एंड दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग की वो डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें काफ़ी कंपनीज को ला पाए. तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट वो लोग दिलवाई देंगे. सो यू, व्हाट यू हैव इंटरेस्ट लाइक इन जर्नलिज्म? मेनली इन कॉन्टेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग. ओके, तो आप मीडिया हाउस में जाना चाहते हो? हाँ जी, ऑफ कोर्स, वही है मेन एम, तो वही है, तभी हमने जर्नलिज्म एंड मास्कॉम के लिए अप्लाई करा है. सो या मेन एम तो यही है कि किसी न्यूज़ हाउस में लग जाए, अच्छे मीडिया हाउस में लग जाए. देखो, आपने अपने पास ना बैग रख रखा है और पत्रकारों की ना ऐसे निशानी होती है कि जितना आप कैजुअल रहते हो ना, आप लोगों से उतना कनेक्ट कर पाते हो. तो देखो, अभी हिट ऑफ द मोमेंट और जो अभी देश में चूंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं तो उसको लेकर भी, पत्रकारिता को लेकर क्या समझते हैं आजकल के बच्चे, ये बताइए. मैं इसमें क्या बोलूँ, मेरा मतलब पत्रकारिता, मेरे को ज़्यादातर मतलब ऐसा है कि मेरे को फिल्म लाइन में जाना है. मतलब न्यूज़ उसमें मेरा इतना नहीं है. हाँ, मेरे को मीडिया मतलब उसमें फिल्म प्रोडक्शन में जाना है और उसी अगर कोई कंपनी आती है उसके प्रोडक्शन हाउस आता है तो मैं उसमें अप्लाई करूँगा उसमें. और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वही है और सेकंड प्रायोरिटी रिपोर्टिंग है.